हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं फिश फ्राई। इसके लिए हमें चाहिए फिश। मैंने 1 किलो फिश लेके इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, वॉश करके सभी क्लीन कर लिया है इसको। 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 20 ग्राम फिश फ्राई मसाला पाउडर। ये ऐसे पैकेट में आता है तो मैंने इसको ऐसे ही ले लिया है, 20 ग्राम की पैकेट सारी। आधा नींबू, 2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट। यहाँ पे 2 स्पून मैदा लिया है मैंने, 2 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर। चलिए अब इसका स्टेप बाय स्टेप मेथड देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे सभी ये सूखे मसाले एक बाउल में ले लिया है। और सारे कॉर्नफ्लोर और मैदा भी मैंने एक साथ यहां पे ले लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको नींबू को पूरा रस इसी में निकाल लेते हैं हम लोग। मैंने नींबू को निचोड़ लिया है। अब थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको इसका बैटर बना लेते हैं हम लोग। इसको अच्छे से मिक्स करके इसका इस तरीके से बैटर बना लें, इस कंसिस्टेंसी का। बहुत ज्यादा पतला मत कीजिए। अभी फिश को इसमें डिप करके हम मैरिनेशन के लिए रखेंगे। अभी मैं इस फिश को इस तरीके से इसमें डिप करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी फिश को अच्छे से मसाले में डुबो के रख दिया है। अब इसको मैरिनेशन के लिए हम 15 से 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही रख देते हैं। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाद में इसको फ्राई करेंगे। अभी फ्रेंड्स, मैंने ऑयल को कढ़ाई में गरम कर लिया है। अब हम फिश को फ्राई करेंगे। फिश को मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रेड कलर ऐड नहीं किया है फिश में, क्योंकि ऑलरेडी रेड कलर है इसमें टेक्सचर। अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा रेड कलर का यूज कर सकते हो। दो साइड भी इसको अच्छे से फ्राई कर लें। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही पका लें, फ्राई कर लें। अभी ये पक चुका है इस तरह, तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अच्छा क्रिस्पी होने दें इसको, ऑयल ड्रेन करके आप इसको ऐसे काट लें। अभी फ्रेंड्स, ये हमारी फिश तैयार हो चुकी है। आप इसको सर्व कर सकते हैं कुछ इस तरह। मेरे वीडियो को जरूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, आपके सभी फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ।